गए बाजार। दारबंद हम पहुंच गए हैं और ये तकरीबन अभी भी कोई 2 किलोमीटर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर जो डैम है, पानी दरिया सिंध आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्या मंज़र है। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपको मज़ीद दारबंद के बारे में बताना है। दारबंद बाज़ार अगर आप उगई से आते हैं तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत, रोड भी बेहतरीन और दरिया सिंध के किनारे तरबेला डैम। तरबेला डैम का ये हिस्सा सयाहों की नज़रों से उजल है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश है। नीचे उतरते हैं, इस डैम के करीब जाते हैं कि क्या सूरत हाल है। कश्तियाँ मौजूद है, देखते हैं कि ये सामने जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं या जो दरख्त है वहाँ तक ये डैम जो है ना पहुँच जाता है अगस्त के महीने में, और ये पूरा जो है ना ये भर जाता है। अभी ये ख़त्म हो गया है। इसका स्टीयरिंग ये इंजन लगे हुए हैं, 2 इंजन लगे हैं, डबल इंजन है और पूरा सिस्टम तैयार है। इंजन स्टार्ट हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं दरबंद के मुकाम पर तरबेला डैम में मौजूद हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार नज़ारा है इस डैम का, और दरबंद ख़ुद एक खूबसूरत इलाका है। अगर आप उगी सेठ से आते हैं तो बेहतरीन रूट बना हुआ है, मतलब मानसेरा से इस्लामाबाद से मानसेरा से फिर मोटरवे के ज़रिए उगी से फिर आप इधर तक आप आ सकते हैं। तो ये बेहतरीन रास्ते तो चूँकि बहुत ज़्यादा है आने के लिए, लेकिन मशहूर रास्ता ये है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की मछली, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और सुहाना मौसम सयाहों पर सहरतारी कर देते हैं। ये सयाहों की नज़रों से ओझल है, क्योंकि वजह यह है कि इतना मशहूर नहीं है, सड़कें इसके इतने ज़्यादा जो है ना अच्छे नहीं है मुख्तलिफ इतराब से। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद से मानसेरा से उगी और फिर इस तरफ से अगर आप दरबंद आ जाते हैं तो ये इलाका बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आप बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ आना चाहिए, यहाँ की मछली खानी चाहिए, चपली कबाब भी है और बहुत सारे मतलब खूबसूरत नज़ारे हैं। मेरे साथ रहे।
ये एक मसनूई झील बना हुआ है और इसके साथ मानसेरा, हरिपुर और इसके साथ दिगर थोरगर, तो तीन अज़लाओं का ये इधर मिलाप है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। हमारे साथ एक मुकामी शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं, ये भी तरबेला मुतासिरीन में है, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? मेरा नाम यहिया खान है, मैं थोरगर का थोरगर मदाखेल का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि ये कब बना और आप कह रहे हैं कि मैं मुतासिर हूँ, तो आप किस तरह मुतासिर हैं? सर जी, ये 1974 में, अप्रैल 1974 में बना है। अच्छा। और यहाँ के मैं लोकल मुतासिर हूँ और यहाँ पे तकरीबन 75 गांव ज़ेर आब आ गए हैं। अच्छा। और बाकी जो है ना, हमारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादती भी हुआ है इसमें। अच्छा। इसलिए कि हमें मतलब ये है कि जो मुनासिब माकूल मुआवजा है वो नहीं मिला है। अच्छा। प्लाट भी मतलब ये है कि वो अटे में नमक के बराबर मिले हैं। ठीक है। मुआवजा भी कुछ ठीक नहीं मिला है। सही है। और बाकी हमारे लोग जो है वो उस दौर के लोग जो है ना वो अनपढ़ थे, तो उसके लाइलमी की वजह से मतलब उन लोगों ने मतलब ये कि पैमाश होने नहीं दिया, तो इसलिए हमारे साथ ये मामला पेश आया। अच्छा, तो लोग यहाँ पर आते हैं शेयर करने के लिए डाउन डिस्ट्रिक्ट से? शेयर करने के लिए जिन लोगों को मालूमात होता है वो लोग आते हैं। अच्छा। इर्द गिर्द के अजलास से लोग आते हैं। ठीक है। कैप्टाबाद वाले, मानसेरा वाले लोग आते हैं। अच्छा। और बुंदेर के लोग ज़्यादा, जब झील ऊपर होता है तो बुंदेर के लोग आते हैं। अच्छा। इस झील में, इस झील में मतलब जुलाई में पानी स्टॉक होना शुरू हो जाता है, जुलाई से अगस्त तक मतलब ये डैम फुल हो जाता है। ठीक है। फिर मतलब दिसंबर के एंड में पानी उतर जाता है यहाँ पर, फिर मतलब ये कि फिर गुदर वाला सिस्टम होता है, मतलब अच्छा। किश्ती के ज़रिए वो आर पार होती है। अच्छा। फिर मतलब ये कि बाकी आमदोरफ्त नहीं होती है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे लोकल यहाँ से किश्ती जाती है, रिपुर जाती है, हमारे थोरगर भी जाती है, और इसके अलावा ये बुनेर साइड पर भी जाती है। अच्छा। बुनेर साइड पर खाना रोडेरे तक। अच्छा। खाना रोडेरा डडम तक मतलब कि किश्तियाँ जाती हैं। किश्ती को मोड़ा जा रहा है पूरे दिन के लिए, इसमें सफ़र किया ताकि देखा जा सके कि ये किस तरह है। तो बहुत ही शानदार है, ये एक समंदर दिखता है अगर आप देखें तो, बिल्कुल समंदर की तरह है और काफ़ी बड़ा है। सामने अगर आप देखें तो हरिपुर, और इस तरफ अगर आप देखें तो थोरगर, ये मानसेरा, जिला मानसेरा, हरिपुर, मानसेरा, थोरगर। और अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाते हैं सीधा तो फिर थोरगर, जुद्बा, शंगला, कमाच, ये इलाके फिर आते हैं। तो यहाँ एक और मुकामी शेर इस किश्ती में हमारे साथ है, तो इनसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ख्याल मोहम्मद है। ख्याल मोहम्मद, ये बताएं कि यहाँ पर अगर मैं आना चाहता हूँ इस्लामाबाद से या स्वात से या बुनेर से या पिशावर से, तो कैसे आऊँ? अगर आप इस्लामाबाद से आना चाहते हैं सर जी, तो आप सबसे पहले आप आएंगे मानसेरा, मानसेरा से होके फिर आप उगी वाले रोड पे आते हैं, और उधर से दो रास्ते निकलते हैं, एक लसन नवाब वाला रास्ता भी आता है दरबन को, दूसरा उगी वाला। तो उगी वाले रास्ते पर आप आएंगे तो आपको रास्ते में खूबसूरत जगह भी, उगी भी रास्ते में भी मिलेगी, खूबसूरत जगह, जंगलात हैं, सब कुछ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये उगी वाली साइड, ये सामने जो रोड नज़ारा, ये उगी वाला, ये अभी नया बना है और ख़ूबसूरत रोड है, ये दरबान को डायरेक्ट आता है। और लसन नवाब वाला साइड, ये छपर रोड है, ये थोड़ा बहुत ख़राब है, हमारे ये MPS साहब की नाहेलवी की वजह से अभी तक ये रोड बने नहीं है, लेकिन रास्ता है जो अभी दरबान को आता है। अगर स्वात वाले साइड पे आप आते हैं तो ये मेरा गुदर का रोड बना हुआ है, नीचे बुनेर खाना नोडेरे तक। अच्छा। उस साइड पे आप दरबान आ सकते हैं। ठाकोट वाले साइड पे अगर आप आना चाहते हैं तो ये जुदबा वाला रोड आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये बताएं कि यहाँ पर सयाह आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या सूरत हाल है, और मशहूर खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताएं। यहाँ का मसला तो इस तरह है कि यहाँ पे जो ईद का जो दिन होते हैं वहाँ पे यहाँ काफ़ी बहुत रश होती है, बाहर से लोग आते हैं, कभी इस्लामाबाद से, कभी लाहौर से भी लोग यहाँ पे सेल करने आते हैं।
ये लॉकडाउन में और इलाके बंद थे तो दरबन खुला था, तो काफ़ी बंदे आए थे बाहर से। ठीक है। तो खाने में यहाँ पे तो दरबन की मछली आप लोगों ने खाई होगी, तो वो बड़ी मशहूर है। उसके अलावा कोकानी हुआ कबाब बहुत मशहूर है दरबन का। तो दरबन, अच्छा मछली यहाँ पर कौन कौन सी मतलब दस्तियाब है? यहाँ पे आपको हर किस्म की मछलियाँ मिलेगी। अच्छा। फार्मी मछली भी है और इस पानी की मछली भी है। अच्छा। और इस पानी की मछली तो जो है ना, इसका खाने का मज़ा तो अलग ही है। अच्छा ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर तकरीबन तमाम अकसाम की मछली दस्तियाब है, तो मेरा ख्याल में आपको यहाँ आना चाहिए और खाना भी चाहिए। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, how are you?